नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आज हम बात करेंगे देश की सबसे प्रमुख समस्या बिजली की। जी हां, आजादी के बाद से देश में कई सरकारें आईं और कई गईं। सरकारों के द्वारा लगातार विकास के कई कार्य कराए जाने के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर विकास दिखाई नहीं देता। देश में मोदी सरकार आई, दोबारा आई, हर गांव हर शहर को विकास की धारा से जोड़ने की बात भी कही गई। लोगों को उम्मीद थी कि अब विकास जरूर पटरी पर लौटेगा, लेकिन लगता है कि विकास सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गया है। मामला कानपुर देहात के एक ऐसे गांव का है जहां के लोग आज भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। इस गांव में ना तो बिजली है और ना ही मूलभूत सुविधाएं। इस गांव की जमीनी हकीकत पर आइए पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। आज तक को जलते हुए नहीं देखा। हर गांव में बिजली पहुंचाने का दावा करने वाली सरकार के वादे यहां खोखले नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस गांव में बिजली पहुंचाने के प्रयास नहीं किए गए। ये गांव विद्युतीकरण के लिए चयनित हुआ था, लेकिन अफसरों की लापरवाही से गांव बिजली से वंचित रह गया। आपको इस गांव में जगह जगह बिजली के खम्भे और ट्रांसफार्मर मिल जाएंगे, लेकिन घरों में टिमटिमाते हुए बल्ब नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ बिजली पहुंची ही नहीं है। गांव में बिजली है या नहीं है? नहीं। तो फिर पढ़ाई कैसे करते हैं? हाँ, वो मिट्टी तेल से दिया जला कर। बत्ती नहीं है तो बिजली आने के लिए रास्ता नहीं है। तो बिजली नहीं है तो क्या क्या दिक्कतें आती है आपको? आपकी दिक्कत सब है, ना कहीं दिया है, ना कहीं जगता है, ना तेल मिलता है। तो बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं? ऐसे पढ़ते हैं, कहीं मिट्टी तेल मिलता नहीं, कहीं मोमबत्ती जगाते हैं। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि सब जल बत्ती की व्यवस्था हो जी, और मान लो रास्ता की व्यवस्था हो, निकलने के लिए व्यवस्था हो। गांव के लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। ऐसे में बिजली से उम्मीद होती है कि बिजली होगी तो पंखा चलेगा और गर्मी से राहत मिलेगी। बिजली ना होने की वजह से गांव के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई के लिए दीपक और लालटेन का सहारा लेना पड़ता है, जिससे बच्चों की सेहत पर भी फर्क पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव की बिजली कागजों तक सिमट गई है। लोगों का कहना है कि चुनावों के समय नेताओं ने गांव में आकर बहुत सारे दावे किए, हर घर बिजली पहुंचाने का वादा किया, लेकिन जीतने के बाद वो गांव को भूल गए हैं। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने समस्या को लेकर कई बार अफसरों से भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। समस्या बहुत खराब बिजली को लेकर। क्या बिजली को लेकर? तो बहुत ही तो समस्या, बच्चे स्कूल में मतलब यहाँ गाँव में दीपक जलाते हैं लोग, सौर ऊर्जा प्लेट से मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं। और तो आपको सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से तो पूरी उम्मीद थी, लेकिन सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही। बिजली के लिए बहुत समस्या बड़ी बड़ी है, इसलिए कि बच्चे भी गर्मी से मारे जा रहे हैं और हम लोग भी गर्मी से के बहुत मतलब व्याकुल है, इसलिए कि कोई लाइट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई प्रधान सुनता है, ना कोई मतलब वो सुनता है, इसलिए कि कानम की तो लाइट के लिए कोई सब समस्याएं है। ये कि मतलब कि तो जो फ्रिज कूलर लड़के की कोई दहेज में ये मिलता भी नहीं है यहाँ पर। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बिजली न होने की वजह से लोग अपनी बेटियों का रिश्ता करने में कतराते हैं, और अगर शादी होती भी है तो शादी में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देने से गुरेज करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री विकास को लेकर देश के समूचे क्षेत्रों में विद्युतीकरण के विज्ञापन देखे जाते हैं, लेकिन उसका असर बहुतरी गाँव में देखने को नहीं मिलता है। लोगों का कहना है कि हम आज भी गुलामी जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं, जहां पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं और ना ही ग्राम पंचायत स्तर पर कोई विकास कार्य हुए हैं। यहाँ लाइट की जो समस्याएं हैं, स्वतंत्रता की 70-72 साल बाद जो लाइट है, खंभे सिर्फ गड़े हैं हमारे गांव में और नियमित रूप से भी नहीं गड़े हैं। तो बिजली ना होने से क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही हैं? बिजली मूलभूत आवश्यकता है, बिजली से पानी की भी समस्या होती है और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है सही से। तो वर्तमान की सरकारों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? वर्तमान की सरकार से हम लोगों ने दो बार केंद्र में सरकार बनाई और एक बार राज्य में भी सरकार बनाई, लेकिन सरकार से उम्मीद अनुकूल नहीं है।
गांव में बिजली नहीं होने की वजह से लोग आधुनिकीकरण से वंचित हैं। न तो शिक्षा अच्छे से मिल रही है और न वहां के लोग मोबाइल फोन का यूज कर पा रहे हैं। बिना बिजली के जीवन कैसे संभव हो सकता है और कैसे बेहतर शिक्षा बच्चों को मिल सकती है? ग्रामीण मजबूर होकर गाँव छोड़कर शहर में पलायन कर रहे हैं। वहीं जनपद के मुख्य विकास अधिकारी जोगिंदर सिंह ने कहा कि मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, अगर ऐसा है तो जल्द ही व्यवस्था ठीक करा कर बिजली शुरू करा दी जाएगी। देखिए, ये प्रकरण आज मेरे संज्ञान में आया है। हो सकता है कि वहाँ पर जो बिजली की व्यवस्था है वो काफी पुरानी हो और वहाँ जर्जर हालत में हो। ऐसी स्थिति हम लोगों को चुनाव के समय में भी देखने को मिली थी एक दो गांवों में, जहाँ पर पुराने खंभे लगे हुए थे लेकिन विद्युत की सप्लाई कई मजरों में मतलब ठप थी, और वहाँ पे हम लोगों ने तत्काल आदेश दिया था एक्सियन हाइडल को और वहाँ पे विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। ये मामला मेरे संज्ञान में है और मैं आपको इसके अपने माध्यम से आश्वस्त दिला करना चाहूंगा कि इसमें हम लोग दो दिन के अंदर कार्य चालू करें। सवाल ये है कि ग्रामीण बिजली न होने की शिकायत कई बार दर्ज करा चुके हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, फिर भी प्रशासन इस सब से क्यों अनभिज्ञ बना हुआ है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस चर्चा में हमारे संवाददाता विवेक त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। जी विवेक, कानपुर का ये जो गांव है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने वादे और इतने दावे कर दिए गए हैं, तमाम सरकारों ने वहां पर राज किया है उत्तर प्रदेश में, भले ही वो कांग्रेस की सरकार हो या बीएसपी की हो, एसपी की हो, और अभी बीजेपी वहां पर शासित है, और आज़ादी के इतने साल तक इस गाँव में बिजली जैसी सुविधा नहीं है, जबकि हजारों तरह के दावे आ चुके हैं, अखबारों में एड प्रदर्शित किए जा चुके हैं, तब भी ये हाल है। और इस बारे में अधिकारी और ग्राम पंचायत इस तरीके के जवाब दे रहे हैं कि आपके द्वारा ये मामला हमारे संज्ञान में है, क्या उन्हें पहले से नहीं पता होता ये सब? जी हम बिल्कुल बताना चाहेंगे, आजादी के 72 साल लगभग पूरे हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि बिजली की जो मूलभूत समस्या है, ये गांव वाले इस मूलभूत समस्या से वंचित, क्योंकि बिजली न पहुंचने से सबसे बड़ा एक कारण शिक्षा को भी देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी शिक्षा जो पढ़ाई वो पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर वो रात में पढ़ाई करने बैठते हैं तो दीपक का या लालटेन का सहारा लेते हैं। खासकर देखा जाए तो बरसात का मौसम है, कीड़े भी इतने ज्यादा होते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं पाते, और जो दीपक और लालटेन से निकलने वाला धुआं है इन बच्चे के आंखों की रोशनी भी जला। अगर बात करें जनपद के अधिकारियों से की, तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है की आज से नहीं, काफी लंबे अरसे से इसकी शिकायत कर रहे हैं। अधिकारी हमेशा कार्रवाई के नाम की बात करके हमेशा मामले को सरकाते नजर आए हैं, और जब इस मामले पर हमने उनसे बात की तो उन्होंने एक आश्वासन दिया, जिले के जो मुख्य विकास अधिकारी उनका साफ तौर पर कहना था कि आपके माध्यम से ये जानकारी हमारे नॉलेज में आई, संज्ञान में आई है, और हम इसको 2 दिन के अंदर अगर मामले में गांव में जाकर देखेंगे, टीम भेजेंगे, अगर ऐसी समस्या आ रही तो 2 दिन के अंदर इसको जाकर के सुचारू रूप से। जी विवेक बिल्कुल, जी सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो विवेक यही है कि जो मुख्य विकास अधिकारी है उसके अंतर्गत हर जिले के गांव आते हैं, उसका तो काम ही यही है, उसका जो पद है मुख्य विकास अधिकारी, विकास कराना उसका मुख्य काम है, और उसको पता ही नहीं है कि उसके अंडर में एक गांव ऐसा है जहां बिजली नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं तो क्या प्रशासन आंख मूंदे बैठा है? जी सबसे बड़ा सवाल यह निशान उमंग बताते हैं कि यही खड़ा हो जाता है कि जब भी इस प्रकार की कोई मुद्दे को लेकर न्यूज इंडिया अपना मुद्दा उठाती है तो सबसे पहले इन अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना होता है कि आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में आया, जबकि आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिले के मुख्य विकास अधिकारी हैं, कोई भी विकास आपके बिना सहमति से या बिना अनुमति से हो नहीं सकता है। तो बड़ा आश्चर्य लगता है जब कोई अधिकारी इतने जो अच्छे पद पर बैठा हो, जब ये कह दे कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया, और फिर ये बात कह देता है कि नहीं, इस मामले पर अगर जल्द ये अमल करेंगे और गांव वालों को ये जो सुविधा हो रही इसको दूर किया जाएगा। जी मैम। जी विवेक, ये तो चलो मुख्य विकास अधिकारी है, लेकिन जो नेता जो आते हैं वहां पर वोट मांगने, उनसे किसी से आपकी बात हो पाई? उन प्रतिनिधियों से, उन विधायकों से आपकी बात हो पाई? क्या कहना है उनका? जी बताना चाहेंगे इस मामले को लेकर हमारे रसूलाबाद जो विधानसभा लगती है उसकी बीजेपी विधायक हैं निर्मला संतवार जी, उनसे जब हमने बात करनी चाहिए तो उनसे बात तो हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी तक इससे पहले सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने काफी लंबे अरसे तक राज किया है, हमने अपनी सरकार में गांव में खंभे भी गड़वा दिए हैं, जल्द ही लाइट दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है विधायिका जी ने खंभे 2 साल पहले गड़वा दिए थे, कुछ खंभों में तार भी खिंचवा दिए गए, तो इतना लंबा समय बीच में कैसे लग गया कि अभी तक उन गांव वालों को लाइट के विद्युत जो बिजली मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। और सबसे बड़ी बात है जब गांव वाले अड़ोस पड़ोस के गांव में लाइट जलते हुए देखते हैं तो उनको अंदर से और आक्रोश होता है, और साफ तौर पर गांव वालों का यही कहना था कि हर बार नेता आते हैं, जब चुनाव आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं,
वोट मांगते हैं, जीत जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं, वो सारे मुद्दे सारी बातें भूल जाते हैं और गांव का नाम भी भूल जाते हैं। और बीच में उनसे अगर मुलाकात भी करनी चाहो तो वो नेता लोग काम का बहाना बना करके सरकार देते हैं, उनकी बात भी नहीं सुनते। जिसमें अगर देखी जाए तो जनता में, लोगों में ऐसे नेताओं के प्रति काफी आक्रोश है। और उनका साफ तौर पर कहना, जब भी हम कोई विकास के मुद्दे को बात करते हैं केवल चुनाव में उनको हमारी वोट लेकर अपना काम निकाल कर वो लोग चले जाते हैं। जी उमंग जी, बिल्कुल विवेक। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी सरकार का इस समय वहां पे बीजेपी सरकार है, तो हम बीजेपी सरकार से ही प्रश्न करेंगे। अब की बार उन्होंने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो ऐसे विश्वास हासिल किया जाएगा? बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि गांव में लाइट नहीं है, लेकिन कभी कभी अखबार आता है तो उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी सरकार ने गांव गांव गली गली हर ग्रामीण क्षेत्र अंचल को विद्युत व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। लेकिन जब अपने गांव को देखते हैं कि दो साल से कमरे गड़े हुए हैं, वो भी अनियमित तरीके से गाड़े गए हैं, कमरा इधर लगा दिया है, उधर लगा दिया, कोई भी सेटिंग व्यवस्था उचित दूरी होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं गाड़ा है। और जब विद्युतीकरण की बात करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनके वादे और जो दावे करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने गाँव से बता देते हैं, क्योंकि हम अपना गाँव ही देख के बता रहे हैं, जो हमारे गाँव में विकास नहीं है तो प्रदेश में देश में किस तरीके का विकास हो रहा होगा। जी मैम, और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीणों से आपने बात की होगी, तो इस समस्या को लेकर क्या वो एक कुछ बड़ा कोई आंदोलन करने की ओर अग्रसर है, क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का? जी, ग्रामीणों को साफ तौर पर कहना है कि सबसे बड़ी समस्या बिजली ना होने के चलते उनके लड़कों की और बेटियों की शादी नहीं हो पा रही। जब अगर शादी की भी बात भी कहीं होती है, अगर लड़कों की शादी भी होती है तो उपहार स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है, वो ससुराल वाले देने से मना कर देते हैं। साफ तौर पर कहते हैं आपके गाँव में बिजली की व्यवस्था नहीं है तो ऐसे में सामान कैसे देंगे। और जब लड़कियों की शादी कहीं अच्छे से घर को ढूंढ कर करने जाते हैं तो वो लड़के वाले जो लोग होते हैं गाँव में बिजली की व्यवस्था ना होने के चलते गाँव में लड़कियों अपने लड़कों की शादी भी करने से मना करते हैं, जिसके चलते गांव के काफी लोगों ने शहर कस्बों को पलायन कर दिया है, काफी लोग गांव छोड़ने को मजबूर हैं, लेकिन कोई इनकी भी मजबूरी समझने को तैयार नहीं हो रहा, जिसके चलते गांव की स्थिति बनी हुई है। जी मैम जी, बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा। फिलहाल हमारे साथ में रवि शशि द्विवेदी जुड़ चुके हैं, जो कि जिला उपाध्यक्ष है BSP के। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी, रवि जी, कानपुर का एक छोटा सा गाँव है भौतरी, जहाँ पे ये समस्या है और आजादी के बहुत, सुनिए रवि जी सुनिए, इससे पहले कि आप दूसरी सरकारों पे दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाएं, पहले मेरा प्रश्न सुन लीजिए। राज आपने भी किया है, उत्तर प्रदेश ने, आपकी सरकार ने क्या करा ये बताइए पहले। हमारी सरकार ने विकास के लिए गांव-गांव में, आप ये जब अम्बेडकर गांव किए गए थे, हम भौतरी गांव की बात कर रहे हैं रवि जी, हम सिर्फ इसी गांव की बात कर रहे हैं और किसी गांव की हम बात नहीं कर रहे। इस गांव के लिए आपकी सरकार ने क्या करा? भैया जी सुनिए, सिर्फ हम लोगों को 5 वर्ष का मौका मिला, उस 5 वर्ष के मौके में हम लोगों ने जितने अम्बेडकर गांव थे उनको बिजली दी, उनमें एक एक गली पक्की सीसी रोड बनवाई गई। अब समय जितना मिलेगा उतना ही आदमी काम करेगा। तो क्या ये गांव क्या अम्बेडकर गांव में शामिल नहीं था? उस समय नहीं हो पाया था, जिन जिन गाँव को मौका दिया गया था वो गाँव में पूर्ण विकास हो किया गया था, लेकिन ये गांव एक ऐसा गांव था कि इसमें जो है ये अम्बेडकर गांव में शामिल नहीं हुआ, तो इसको पूर्ण विकसित नहीं कर पाया कोई। और हम लोग पूर्ण विकसित दोबारा मौका पाते। रवि जी पूर्ण विकसित की बात कर रहे हैं, ये तो कुछ भी विकसित नहीं है, आप पूर्ण विकसित की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं पाया ना, इसीलिए नहीं हो पाया कि 5 साल का मौका मिला, 5 साल में जहाँ जितना जो किया जा सकता था वो किया गया, ये स्थिति बनी रही था। अब सरकार के सामने मजबूरी है, जब 5 साल के बाद जनता ने अपना जनादेश बदल दिया, तब जो दूसरे लोग आए उन्होंने अपने स्तर से काम किया, तो ये गांव जो है पूर्व में सपा और बसपा दोनों सरकारों में भी ये शामिल नहीं हो पाया, ना लोहिया में ना अम्बेडकर में। अब ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी, कम से कम 5 साल उन्होंने पहले राज किया केंद्र में, दोबारा फिर 5 साल के लिए भगवान ने जनादेश दिया है उनको, तो अब कम से कम ऐसी जगह पे उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, विकास करवाना चाहिए। हेलो जी जी जी, लेकिन रवि जी बादलपुर गांव जैसी कुछ सुविधाएं तो यहां पे दे दी जाती, उसमें क्या बिगड़ जाता? 5 साल का आप बता रहे हैं, ये तो आप, ये हर आदमी अपनी अपनी बात कहता है कि बादलपुर का उदाहरण दो या आप सैफाई का उदाहरण दो। जी यहाँ पे ये उदाहरण देने वाली बातें तो कही जाती हैं, लेकिन हम लोगों की सरकार जो रही BSP की सरकार, उसमें बादलपुर के अलावा कम से कम ऐसे लाखों गांव थे जहां पे सब जगह पे
पूरा पूरा उनका विकास पूर्ण किया गया जी। इसको भी पूछ लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। विवेक, रवि जी कह रहे हैं कि सिर्फ ये वाले गांव या कुछ गांव उस अंबेडकर योजना में शामिल नहीं हो पाए, क्या ये बात सच है? ये लाखों गांवों की बात कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? जी, अगर बात की जाए कानपुर देहात जनपद की, तो अभी जनपद में ऐसे कई दर्जन गांव पड़े हैं जो मूलभूत सुविधाओं से अभी वंचित हैं, और वहां भी बिजली को छोड़िए आप, जो मेन समस्या गर्मियों में लोगों के पेयजल की आती है, तो गांव में अभी बूंद बूंद लोग पानी को तरस रहे हैं। ऐसे काफी गांव पड़े हुए हैं जहां पर लोग आज तक भी पानी को तरस रहे हैं, और पूर्व की सरकार आई, राज करके चली गई, लेकिन किसी ने इन ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, सरकारें बन जाती हैं तो सरकारें बन वोट लेने के लिए तो लोग बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, जब जीत जाते हैं सरकार बन जाती है तो लोग जनता को भूल जाते हैं, उस गांव को भूल जाते हैं, जिसके कारण ये बौतरी जैसे गांव दर्जनों गांव जनपद में पड़े हैं जो आज भी विकास के राह देख रहे हैं, विकास के लिए तरस रहे हैं। जी जी रवि जी, सुना आपने, चलिए अभी आपकी सरकार नहीं है, जी रवि जी सुनिए, अभी आपकी सरकार नहीं है, लेकिन सपा के साथ मिलकर आपने एक बड़ा एक जन आंदोलन करने की कोशिश की थी, वो अलग बात है कि वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन आप एक अच्छे विपक्ष की भूमिका तो निभा सकते हैं, आप इन ग्रामीणों की आवाज तो उठा सकते हैं, क्यों आपको किसी क्यों सुनिए सुनिए रवि जी सुनिए सुनिए हम जब भी किसी नेता से पूछते हैं, भले ही वो किसी भी पार्टी को, हम पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे, किसी भी नेता से, किसी भी विधायक से हम पूछते हैं, तो उनका यही जवाब आता है कि आपकी वजह से ये मामला संज्ञान में आया, अब हम इसकी तरफ देखते हैं। नहीं, आप ये बात सही कह रहे हैं, ये मतलब कमजोरी है, हम लोग कभी कभी हो जाता है कि कई जगह पे ध्यान नहीं जा पाता है, क्योंकि मतलब संगठन का काम जो लोग देखते हैं उनको, उनकी भी जिम्मेदारी ये रहती है, हम लोग क्योंकि एक विधानसभा विशेष से हमको जोड़ दिया गया कि आप सिकंदरा विधानसभा देखें, तो अब हम वहाँ के जितने गांव हैं वहाँ पे जानकारी अपना प्रयास करते हैं। जी रवि जी, माफ कीजिएगा आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, हमारे साथ समरथ पाल जी जुड़ चुके हैं जो कि जिलाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। समरथ पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी समरथ पाल जी, कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील के गाँव भौतरी की बात चल रही है, यहाँ पर बिजली नहीं है, क्या कहना है आपका इस समस्या के बारे में? देखिए, बिजली जब समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की मिनिस्टर थी जी, तब वहाँ प्रस्ताव हुआ था और बिजली का काम शुरू हो गया जी, और उसके बाद जब से बीजेपी सरकार बनी काम जैसा का तैसा रुक गया, केवल भौतरी की बात नहीं है जी, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के ज्यादातर गांवों की है, केवल बिजली की बात नहीं है, चाहे सड़क का मामला हो चाहे जैसा हो, विकास के नाम पर ये सरकार का कोई काम नहीं है, विकास के नाम पर ये सरकार पूरी तरह विफल है जी। लेकिन एक मजबूत विपक्ष की भूमिका तो आप निभा सकते हैं, ग्रामीणों की आवाज तो उठा सकते हैं, पूरी तरह आवाज उठाते हैं, कहते हैं तमाम लूट डकैती अत्याय बलात्कार हो रहे हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन समरथ पाल जी 5 साल आपको मौका मिला है, आपने भी राज किया है, तो सिर्फ खंबे लगवा के छोड़ दिए, आगे का काम कौन करता? व्यक्रम हमने काम किया, प्रदेश के तमाम गांव बिजली देने का काम किया, सड़क बनवाने का काम किया, तमाम। लेकिन समरथ पाल जी, आपने भले ही कोई भी पार्टी, उन्होंने कितने ही काम किए हो, लेकिन बात उसकी की जाएगी जहां पर काम नहीं हुआ, और उसकी अगर बात की जाती है तो सीधे सीधे हर पार्टी वाला दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगा देता है कि हमने तो करे थे साहब, हमने खम्भे गड़वा दिए, अब बिजली लाने का काम वो करेंगे, ऐसा क्यों? हमने विकास किया है, हमने अपनी सरकार, ये कैसा विकास है हमारा? हमने बिजली जब तक समय होता है जब खम्भे गड़ गए, लेकिन समरथ पाल जी, मैंने अभी रवि जी से भी पूछा था, सुनिए समरथ पाल जी, आप किसी एक गांव विशेष का या किसी एक इलाके विशेष का विकास करके आप उसे समूचे उत्तर प्रदेश का विकास मान लेते हैं, जबकि आज भी सैफई और बादलपुर के अलावा कई गांव ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में, आप कह रहे हैं हमने विकास किया, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जो अभी भी विकास से बिल्कुल बहुत ज्यादा दूर हैं, और वो भी आजादी के इतने साल बाद। इसमें कि कोई एक पार्टी पे हम दोषारोपण नहीं कर रहे, सभी पार्टियों ने वहां पर सरकार बनाई है, भले ही वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या बीजेपी हो, सबने वहां पे सरकार बनाई है और सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, इन बेचारे गांव वालों का क्या दोष है इसमें, ये बताइए। बिल्कुल सही बात, गांव का विकास अगर किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है, और वो भी जब हमारी प्रदेश सरकार रहती, केवल अगर केंद्र में सरकार, केंद्र की सरकार हमेशा हमारे विपरीत रही, उसके बाद भी हमने प्रदेश में गाँव का विकास किया। चलिए इसका भी पता लगा लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हैं, विवेक कितनी सच्चाई है इनकी बातों में?
जी बताना चाहेंगे कि इसके पूर्व जब समाजवादी की सरकार थी तो ये जो क्षेत्र पड़ता है रसूलाबाद विधानसभा, ये कन्नौज लोकसभा में लगता है। इसमें पूर्व जो सीएम रहे अखिलेश यादव जी, इनकी वाइफ डिंपल यादव यहाँ से सांसद रही हैं। लेकिन अगर रसूलाबाद विधानसभा की बात की जाए तो कन्नौज लोकसभा का एक ऐसी विधानसभा है जो अब भी विकास को देखा जाए तो विकास से कोसों दूर है। इस लोक विधानसभा क्षेत्र में कन्नौज लोकसभा में आती है जो विकास न होने के चलते, क्योंकि अगर विकास कार्य हुए होते रसूलाबाद क्षेत्र में तो हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जनता ने जवाब दिया, बीजेपी के प्रत्याशी आज सुब्रत पाठक जीत गए, क्योंकि कहीं ना कहीं डिंपल यादव जी ने कुछ कमियां छोड़ी थी, सपा सरकार ने कुछ कमियां छोड़ दी जिसके कारण वो सीट भी चली गई और मतलब जनता ने उनको जवाब दिया। खैर विवेक, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, हमारे साथ जितेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं जो की एडवोकेट है और वरिष्ठ समाज सेवी भी है। जितेंद्र सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जितेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे आप इस गांव भतोरी की समस्या पे, क्योंकि हम तो अगर किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि से बात करते हैं वो बोल देते हैं कि भाई हमने यहाँ 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 हमने विकास करवाए, लेकिन ये गांव छूट गए क्योंकि हमारी सरकार चली गई या केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ही लगाएंगे, आपका क्या कहना है? उमंग जी बहुत लंबा समय बीत हो चुका जी, और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें ये सब देखा जाए तरक्की बहुत करी है, बहुत विकास हुआ है, लेकिन विकास में अगर सही ढंग से देखा जाए तो जो बाधक है वो है प्रशासन और बाबू तंत्र। ये जहाँ तक राजनेताओं की बात करी जाए वो तो अपनी बात कहते हैं, मैंने ये किया मैंने वो किया, अगर ये एक गांव जो आजादी के इतने लंबा समय व्यतीत हो चुका जहाँ पर आज बिजली नहीं जाती है वो तो देश का एक इससे ज्यादा और कलंक क्या हो सकता है कि जो रोशनी के लिए तरफ तरफ रहा है, क्योंकि हमारे जो नौनिहाल है जो शिक्षा के लिए देखा जाए और तमाम सब्सिडियों के लिए देखा जाए तो वो एक प्राथमिकता में आती है, और गांव का जो विकास आता है तो सबसे पहली प्राथमिकताओं में सड़क सीवर खंजा नाली के साथ में बिजली आती है और वहां तक न पहुंचना ये बहुत बड़ी बात खराब बात है। और जैसे अभी समझ जी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने बहुत किया, अगर किया होता तो शायद बहुत कुछ हो चुका होता। अब दूसरी तरफ बात आती है बीजेपी सरकार की, बीजेपी सरकार का समय काफी व्यतीत हो चुका है और दोबारा में अगर केंद्र सरकार को देखा जाए तो विश्वास व्यक्त किया है वहां पर, अभी गांव गांव का घर घर तक बिजली पहुंचाने का बहुत बड़ा काम हुआ है। हम एक इस रूप में नहीं कहेंगे कि हम किसी पार्टी को प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इस सरकार ने बहुत सारा काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, हम लोग बहुत सारे शिविर लगाते हैं, गांव गांव जाते हैं जहां पर अब बहुत समय से जो न्यायिक प्रक्रिया बढ़ी हुई है उसमें स्थायी लोक अदालत का गठन हुआ है, और स्थायी लोक अदालत के माध्यम से सड़क सीवर खंजा नाली बिजली स्वास्थ्य ये ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको हम लोगों ने बहुत सारे शिविरों के माध्यम से वहां पे जागरूक किया, बहुत सारे ऐसे गांव जहां पर नए हुए लोगों को जागरूक करके और यहाँ आदर्श हो रहे हैं उसमें, तो उसमें भी जनता को देखना चाहिए अगर सरकार इस ओर काम नहीं कर रही, प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो न्यायालय के माध्यम से जहाँ बिना किसी कोर्ट फीस के बिना किसी अधिवक्ता को नियुक्त किए बिना कोई और बात किए सीधे सीधे मुकदमे दाखिल हो सकते हैं, तो मेरा इस मंच के माध्यम से ये भी अनुरोध होगा कि जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और न्यायालय के माध्यम से वो उन अपने जो अधिकार है जो उनके जो मिलना चाहिए सड़क खंजा नाली इन सब को जो मिलना चाहिए उसको ले सकता है। जी बिल्कुल, विवेक हमारे साथ में जुड़े हैं। विवेक, जिस प्रकार से अभी असमर्थ जितेंद्र सिंह जी ने कहा, माफ कीजिएगा, जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि जनता अपने अधिकारों की लड़ाई भी लड़ सकती है न्यायालय के माध्यम से, तो क्या वहां पर इस तरह की कोई बात हो पाई है सरपंच के द्वारा, या ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है इस बारे में, क्या वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे और इन प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, बात बताना चाहेंगे उनके ग्रामीणों से जब बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अब वो हक की लड़ाई खुद, क्योंकि वो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे न्याय की गुहार विकास के लिए आंख लगा लगा कर थक गए, उनसे अपनी शिकायत कर करके थक गए हैं। जनप्रतिनिधि की बात करे जाए तो जनप्रतिनिधि तो आते ही नहीं, केवल वोट मांगने आते हैं उसके बाद चले गए, अगर जनता उनसे मिलने भी जाती है तो वो काम का बहाना दे करके कभी लखनऊ में कभी दिल्ली की बात बना करके जनता से मिलना भी नहीं चाहते हैं। तो जी बिल्कुल विवेक, आपने जी विवेक आपने बिल्कुल सही कहा कि अब जनता को अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, और जब गांव में ऐसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव चल रहा है आजादी के 72 साल बाद, हर सरकार ने वहां पर राज किए, हर पार्टी ने वहां पर राज किए, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आज भी सिर्फ उत्तर प्रदेश की हम बात नहीं करें, पूरे देश में आज भी कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली नहीं है और पानी जैसी समस्या से उनको रोज
एक दूसरे एक एक देखना पड़ता है, उनको समस्या से रूबरू होना पड़ता है। खैर, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह देखने वाली बात होगी कि कब तक इस तरीके के जो गांव है और जो जनता है इन मूलभूत सुविधाओं से ग्रसित होती है, और आखिर कब सरकारों का ध्यान इस ओर जाता है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब जनता खुद अब अपने हक की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि अब प्रत्याशियों पर धीरे धीरे जनता का भरोसा उठता जा रहा है। हमारी आज की इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।